शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर आज का शेयर बाजार का अपडेट, कम्युनिटी बाजार का अपडेट और आज आपका राशिफल। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहां पे राशिफल से, जानेंगे कि आज राशिफल आपका कैसा रह सकता है। क्या आज आप मुनाफा कमाएंगे या फिर आपको आज थोड़ी संभलने की जरूरत है। और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। शुभ प्रभात अखिलेश साथी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल एवं मार्केट टाइम्स टीवी के संयुक्त प्रयासों से ये शो प्रसारित हो रहा है आज 4 मार्च 2022। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या संभावना है, राशि फल क्या होगा, शेयर बाजार और नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या संभावना है। आपको याद होगा हमारे पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी स्टील के ऊपर, कुछ स्टॉक्स के वेदांता, टाटा स्टील, जिंदल स्टील और इन स्टॉक्स ने जबरदस्त तेजी दिखाई जबकि बाजार पूरी तरह से धराशायी हो चुके थे। इसके अतिरिक्त बेस मेटल के अंदर जबरदस्त तेजी दर्ज हुई, कॉपर ने जबरदस्त तेजी दिखाई। एग्रो कमोडिटीज के अंदर कैस्टर और जीरे के अंदर जो हमने आपको रिकमेंडेशन दी थी अक्सर सत्य साबित हुई और गवाह की में भी मूवमेंट जिस प्रकार बताया था वैसे ही हुआ। आज क्या संभावनाएं बनती हैं, सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, यानी 4 एलिमेंट, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि पथ की 3 राशियां मेष, सिंह और धनु राशि आज आपके लिए दिन संभावतः मुसीबत ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं, आया व मुनाफा हाथ से निकल सकता है। 3 से 4 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 2, 6, 10 यह है पृथ्वी तत्व की राशियां, वृषभ, कन्या और मकर राशि निश्चित रूप की तरफ इशारा कर रही है। 2 से 3 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 3, 7, 11 यह है वायु तत्व की राशियां, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, दिन आपके लिए मुफीद है, अच्छा है, लाभ कमा सकते हैं, लेकिन 12 से 1 बजे के बीच में स्क्रीन छोड़ के कहीं मत जाइए अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। 4, 8, 12 यह है दल तत्व की राशियां, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि निश्चित रूप की तरफ इशारा कर रही है। 11 से 12 बजे के बीच में खतरे का समय है, आप बच के रहिए। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। गौरतलब है कि एक ही बाजार, एक ही मंडी या एक ही माल के अंदर एक सा सामान बेचने वाली, एक सी वस्तुएं बेचने वाली अनेकों शॉप होती है, लेकिन सबकी किस्मत और सबका की कमाई अलग अलग क्यों होती है, ये सब तत्वों का ही काम है। यदि आप अग्नि तत्व के व्यक्ति हैं और आप वायु तत्व से संबंधित काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पोबारा होगी, आप लाभ लाभ कमाने की स्थिति में रहेंगे। इसके विपरीत यदि अग्नि तत्व के व्यक्ति हैं और आप जल तत्व की वस्तुओं से काम से की तिजारत करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, तो वहां हो सकता है बड़ा नुकसान। तो तत्वों का बैलेंसिंग करना ही आपकी कामयाबी का एक सूत्र भी हो सकता है। अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, कर्नल अजय जी इसी के साथ बात करें यहां से अगर आप कमोडिटी बाजार की, तो कमोडिटी बाजार में देख रहे हैं कि जो कैस्टर है काफी अच्छे तेजी की ओर जाता हुआ नजर आ चुका है, 7200 7300 तक के भी लेवल्स कैस्टर सीट दिखा चुका है। अब यहां से आपको क्या लग रहा है, फंडामेंटली, टेक्निकली और एस्ट्रो फाइनेंस के हिसाब से कैस्टर सीट आगे क्या और तेजी की ओर जाता हुआ नजर आ सकता है? कैस्टर के अंदर अभी तेजी बाकी है और आज मुझे लगता है कि कैस्टर के अंदर अच्छी तेजी बनने की संभावना बन सकती है। कैस्टर सीट्स के अंदर अभी कमजोरी नहीं बनती है, मेरे जो टेक्निकल एनालिसिस बन रहा है और फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का जो मंत्र बन रहा है वो कैस्टर में आज तेजी दिखा सकता है। ये अखिलेश जी। जी, तो यानी कि कर्नल अजय जी के मुताबिक कैस्टर में अभी मंदी की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, कैस्टर में बढ़त की ही संभावना है। कर्नल अजय जी इसी के साथ बात करें यहां से अगर अब ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड में आपको कैसी आशंका लग रही है, क्योंकि ग्वार सीड में देख रहे हैं कि निचले स्तर देखने को मिले, ग्वार सीड का बाजार काफी नीचे जाता हुआ नजर आया,
ऐसे में आपको क्या लगता है, ग्वार सीड में आगे कैसा बाजार रह सकता है? देखिए, ग्वार सीड के अंदर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ग्वार कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ग्वार कॉम्प्लेक्स की ट्रेडिंग वो बहुत सीमित मात्रा में और सीमित इलाकों में होती है। गुजरात, हरियाणा और राजस्थान, ये तीन राज्य ऐसे हैं जहां पर ग्वार सीड की ट्रेडिंग के में लोग इंटरेस्ट लेते हैं, चाहे वो किसान हो या फिर कारोबारी। और ग्वार सीड के अंदर ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इस साल ग्वार सीड के फंडामेंटल बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं जी। तो पैदावार इसकी बहुत अधिक नहीं है, डिमांड बादस्तूर जारी है, लेकिन स्पेकुलेटिव गतिविधियां कह लीजिए या पैनिक क्रिएट करने का प्रयास हमेशा से किया जाता है इसमें, क्योंकि ग्वार सीड जब चलता है तो ऊपर का भाव जब चलते हैं तो कोई नहीं पकड़ता, और जब नीचे के भाव चलते हैं तो भी कोई नहीं पकड़ता। तो ये ही एक ऐसी स्थिति बन जाती है, और जो छोटे और कमजोर दिल के कारोबारी हैं या जो अपनी क्षमताओं से अधिक ग्वार सीड में पोजीशंस बना के रखते हैं, कैपेसिटी यदि 10 लॉट की है या 100 टन की है, काम 500 टन, 1000 टन में कर रहे हैं, 5000 टन में कर रहे हैं, उनको अक्सर ऐसी परेशानियों में सबब मिलता है। जहां तक ग्वार सीड का सवाल है, मुझे लगता है कि आज इसमें तेजी की संभावनाएं बनती है और इसके अंदर मजबूती बन सकती है, और जो छोटे और कमजोर दिल के कारोबारी हैं उनको ग्वार सीड से दूर रहने की सलाह दी जाती है। जी अखिलेश जी। जी कनलजा जी, इसी के साथ कनलजा जी, और कौन सी कम्युनिटीज हैं जिनमें और बढ़त देखने को मिल सकती है? जैसे अगर मसालों की बात की जाए तो मसालों में अब जैसे मार्च में धनिया और जीरे की अराइवल्स मंडी में हो जाती हैं, तो क्या ऐसे में भी बढ़त की कुछ संभावना है? देखिए, धनिया की फसल कमजोर है और पाइपलाइन बिल्कुल टाइट है, और धनिए के अंदर जो भी कारोबारी डील करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि धनिए में तेजी बन सकती है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल टेंशन है, इसका मानसिक प्रभाव तो देखिए हर चीज पे पड़ेगा, उसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन कुल मिला के धनिए के अंदर आज तेजी की संभावना अधिक नजर आती है। ये अखिलेश जी। जी, इसी के साथ कनल जी, बात करें अगर अब नॉन एग्री कम्युनिटीज की, तो नॉन एग्री में हमने बेस मेटल्स को हाल ही में काफी शानदार रिकॉर्ड तेजी की ओर अग्रसर होते हुए देखा है, आपको क्या लगता है क्या आगे भी भविष्य में भी बेस मेटल्स में ऐसे ही जोरदार तेजी जारी रह सकती है? देखिए, बेस मेटल के अंदर आपको याद होगा हमने सबसे पहले स्टील और कॉपर के ऊपर बात की थी, और वो लगातार बेताशा तेजी दिखा रहे हैं। स्टील ने भी ऑल टाइम हाई बना दिया है स्पॉट मार्केट के अंदर, और इसके अतिरिक्त फेरस और नॉन फेरस दोनों मेटल्स ने एक तूफान मचाया है। और ये बहुत कम बार होता है कि फेरस और नॉन फेरस मेटल प्रेसिस मेटल और बाकी दूसरी कमोडिटीज से आगे निकल जाए। इस बार कच्चा तेल और फेरस नॉन फेरस मेटल्स ने जो जबरदस्त मूवमेंट दिया है, इसका सबसे ज्यादा फायदा निवेशकों को हुआ है। बेस मेटल्स के अंदर आपको याद होगा हमारे कल के शो में भी हमने तेजी की बात कही थी, और कल भी जो 810-811 का जो भाव था, कल भी 818-819 का भाव देखा गया था, उसके बाद भी थोड़ा सा करेक्शन हुआ था और 810-811 के भाव तकरीबन थे, और 830-835 के भाव, ये कॉपर की संभावनाएं पूरी प्रबल बन रही है और इसके अंदर भी तेजी की संभावनाएं बनी रह सकती है। ये अखिलेश जी। जी कनल जी, इसी के साथ बात करें अगर अब कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से अभी कच्चे तेल में हल्की सी नरमी भी देखी गई है, खबरें हैं कि जो ईरान की जो न्यूक्लियर डील है अगर वो रिवाइव होती है तो कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो उसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, आपके अकॉर्डिंग और एस्ट्रो फाइनेंस के अकॉर्डिंग क्या कच्चे तेल में आगे कुछ नरमी बन सकती है या फिर जो प्राइसेज हैं यहाँ से अब आगे तेजी की ओर ही जाएंगे? देखिए, कच्चे तेल में पिछले लगभग 7 दिनों से एक तरफा तेजी दर्ज हुई है, और ये इतनी बड़ी तेजी इतने छोटे पीरियड में एक बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। मुझे लगता है कि कच्चे तेल में आप बच के चलना चाहिए, इन लेवल्स के ऊपर बड़ी खरीदारी से अवॉइड करना चाहिए। जी कर्नल जी, रुख करें अगर आप कमोडिटी उसके शेयर बाजार की तरफ, तो शेयर बाजार में देख रहे हैं कि मंदी भी देखने को मिली है, अब सेफ हेवन डिमांड सोने चांदी में शिफ्ट होती नजर आ रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है स्टॉक मार्केट आगे कैसी रह सकती है और आज के कारोबारी सत्र में स्टॉक मार्केट कैसी रह सकती है और किन शेयर में दाव लगाया जा सकता है? देखिए, शेयर बाजार के अंदर ये निश्चित है कि जब अफरा तफरी मस्ती है, उतार चढ़ाव होता है, जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल टेंशन होते हैं,
उसका पूरा पूरा असर सबसे पहले शेयर बाजार में पड़ता है। और कहा जाता है कि शेयर बाजार किसी भी अर्थव्यवस्था का मिरर होता है, यानी इकोनॉमी का मिरर होता है, दर्पण होता है। यदि किसी भी कंट्री का शेयर बाजार आप देखें, उसको विश्लेषण करें, तो आपको ऐसा महसूस, आप वो दर्पण के रूप में, जैसे आप कोई भी व्यक्ति दर्पण यानी शीशे के अंदर अपनी शक्ल देखता है तो उसको वास्तविकता नजर आती है, उसी तरह से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को देखना है, समझना है, तो आपको वहां का शेयर बाजार देखें, तो आपको उस देश की अर्थव्यवस्था आपको बिल्कुल क्लियर स्पष्ट नजर आएगी। उसी प्रकार जब भी कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन होता है, जियो इकोनॉमिकल टेंशन होते हैं, तो उसका सबसे पहला असर शेयर बाजार पर पड़ता है। और यही वजह है कि ग्लोबल लेवल पर, चाहे वो अमेरिकन मार्केट्स हो, रशियन मार्केट हो, यूरोपियन मार्केट हो, एशियन मार्केट हो, सभी जगह बराबर का 19-20 का वर्स्ट इफेक्ट इस टेंशन से बना है। लेकिन इस टेंशन से जो शेयर बाजार के फंडामेंटल हैं, जो अच्छी कंपनियों के जो शेयर्स हैं, उनके फंडामेंटल में कोई बुनियादी फर्क नहीं आया है, तो ये जो समय होता है ये धैर्य से अच्छी क्वालिटी का माल खरीदने के लिए होता है, याद रखिएगा। लेकिन जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज रखते हैं कि सुबह लेके शाम को बेचना की कोशिश करते हैं, या फिर बहुत तेजी से एग्रेसिव सेलिंग बाइंग करते हैं क्षमताओं से अधिक, उनको थोड़ा सा रिस्क जरूर हो जाता है। शेयर बाजार बिल्कुल कहीं नहीं गया है, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को कहना चाहता हूँ, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक रखिए, चाहे टाटा स्टील हो, टाटा मोटर्स हो, वेदांता हो, हिंदुस्तान जिंक हो, हिंदुस्तान कॉपर हो। मेटल स्टॉक्स ने जबरदस्त मूवमेंट किया है, फर्टिलाइजर स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया मूवमेंट किए हैं, शानदार मूवमेंट दिए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बैंकिंग स्टॉक्स परेशानी में जरूर है, क्योंकि ये पॉलिटिकल टेंशन का सबसे असर इकोनॉमी पे पड़ता है, तो उसके अंदर भी जो HDFC बैंक है, ICICI बैंक के निचले स्तर के ऊपर धीरे धीरे खरीद सकते हैं। यदि मान लो आपको 100 शेयर खरीदने हैं, तो 30-40 शेयर खरीदिए, तो 3-4 बार खरीदिए आप, और आने वाले समय के अंदर फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। इंटरडे से काम करने में बचना चाहिए, अभी टाइम इन्वेस्टमेंट का है, इंटरडे ट्रेडिंग का बिल्कुल नहीं है। एक और बहुत महत्वपूर्ण मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ, आपसे आगाह भी करना चाहता हूँ, ये सभी जानकारियां आपको शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और एग्रो कमोडिटीज की फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के सही प्रयासों से आप तक पहुंचाई जा रही है। कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले आपका स्वयं का अध्ययन, विवेक और अपने जानकार से भी आप राय कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का लाभ हानि का जिम्मेदार ना चैनल ना विशेषज्ञ होगा, इसमें विशेष ख्याल रखें। एक और महत्वपूर्ण बात, अपनी शक्ति से ज्यादा कभी भी वजन नहीं उठाना चाहिए, अपनी शक्ति से ज्यादा कभी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, अपनी शक्तियों को पहचाने, क्षमताओं के आधार पर काम करें, टाइम पर मुनाफा वसूल करें। याद रखिएगा, जब अभी समय पर अभी आप मुनाफा नहीं वसूल करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो महत्वपूर्ण यह है कि अपना अभी और एक क्षमता पर अधिक नुकसान भी उठाना कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता है। तो अपनी क्षमताओं में रह के काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप फायदा उठाएंगे, अपनी क्षमताओं से बियॉन्ड जाके, चाहे नुकसान में हो चाहे फायदे में हो, उसमें आपको परेशानियां बढ़ सकती है। यही मेरा आप लोगों को संदेश है कि अपनी अब किस बाजार में रहना है तो आपको अपनी क्षमताओं को पहचान कर ही काम करना है। ये अपील जी कन्हैया जी, तो आज कुछ ऐसा रह सकता है कमोडिटी बाजार, शेयर बाजार और आज आपका राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।